है न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने अचानक से खटीमा पहुंचे। सीएम ने मंडी समिति में धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने आश्रम पद्धति विद्यालय और एकलव्य विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया है, जहां उन्होंने निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों को 15 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक मूंगफली के ठेले पर पहुंचकर मूंगफली भी खरीदी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं खटीमा से, मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान अचानक मुख्यमंत्री के पहुंचने से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही अलर्ट नजर आ रहा था। आश्रम पद्धति शहीद स्मारक सरकारी अस्पताल हमारा और किसानों का इस समय धान की जो फसल है उसको चीज से खुलवाई, उसके लिए मैंने मंडी परिसर में जाके फोन क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ एकलव्य विद्यालय हमारा जो यहाँ पर लंबे समय से यहाँ के जनजाति समाज के लगातार मैंने मांग उठाई थी और अब उसका निर्माण कार्य लगभग 70-80% हो गया है। मेरा यह भी प्रयास है, मैंने आज विभाग के अधिकारियों को कहा है कि 15 दिसंबर तक उसको भी पूरा कर रहे हैं, हैंडओवर कर रहे हैं। इसी प्रकार से बाईपास है उसका भी जल्दी से जल्दी जो है काम पूरा हो, हमारा जो बस अड्डा है उसका काम भी पूरा हो। हम जो भी योजनाएं, अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि आज जितना समय है उतने समय में एक बार मैं स्वयं देखना चाहता हूँ सारे अधिकारियों के साथ जाकर। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां कुछ लड़के अपनी महिला मित्र के साथ घूमने आए थे। इस दौरान महिला ने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे और मंदिर के पास उसके दोस्त उसकी तस्वीरें ले रहे थे, जिससे तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश भड़क गया और उन्होंने तीर्थयात्रियों को जमकर खरी खोटी सुना दी, जिसके बाद तीर्थयात्रियों ने उनसे माफी मांगी है और महिला ने अपनी जैकेट पहन ली। तीर्थ पुरोहितों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैला दिया है, जिसके बाद से लोग तीर्थयात्रियों की आलोचना कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कुछ तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के आसपास इस तरह से घूमते हुए नजर आ रहे थे, जिसका वीडियो बना लिया गया है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल यहां कुछ लड़कियां अपनी महिला मित्र के साथ घूम रहे थे। इस दौरान महिला ने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे और मंदिर के पास उसके दोस्त उसकी तस्वीर ले रहे थे, जिससे तीर्थ पुरोहित काफी ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने तीर्थयात्रियों को जमकर खरी खोटी सुनाई है, जिसके बाद तीर्थयात्रियों ने उनसे माफी मांगी और महिला ने अपनी जैकेट भी पहन ली। तीर्थ पुरोहितों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जिसके बाद से लोग तीर्थयात्रियों की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ताईस अक्टूबर को सांसद लोकेत चटर्जी के दिनेशपुर आगमन को लेकर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा भीड़ कार्यक्रम में आने को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों में हिंदू परिवारों के साथ बदतमीजी और मारपीट करने की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में दोबारा बनने जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सांसद लोकेत चटर्जी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ जुटाने को लेकर जानकारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इसी दौरान एक बैठक की। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा भीड़ कार्यक्रम में आने को लेकर रणनीति तैयार की गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों में हिंदू परिवारों के साथ बदतमीजी और मारपीट करने की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में दोबारा बनने जा रही है। जो मंडल अध्यक्ष जी हैं उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और मुझे भी बुलाया गया, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए, तो जानकारी मिली है और कार्यकर्ताओं ने बताया और बहुत अच्छी बात है कि पश्चिम बंगाल के हमारी सांसद और चुनाव के दृष्टि से जो हमारे प्रदेश की सह प्रभारी बनी है श्रीमती लोकेत चटर्जी जी, उनका कार्यक्रम लगा, उनका प्रवास लगा है और 27 तारीख को है, तो उसी निमित्त कार्यकर्ताओं ने आज बहुत बड़ी बैठक की है, उसकी तैयारी की है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूँ और जो लोकेत चटर्जी जी जो हमारे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत।
हरिद्वार में राजकीय धान खरीद केंद्र बहादुराबाद पर किसानों और विपणन अधिकारियों के बीच धान खरीद को लेकर जमकर कहासुनी हो गई। विपणन अधिकारी और किसानों के बीच अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। किसानों ने विपणन अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने किसानों को बाहर निकालकर गोदाम का गेट बंद कर दिया। किसानों ने विपणन निरीक्षक अधिकारी को हटाने की मांग की है। वहीं निरीक्षक अधिकारी ने किसानों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। उधर अपर जिलाधिकारी और राजकीय खाद्यान्न अधिकारी वीर सिंह बुधियाल ने मामले की जांच कराने के निर्देश नोडल अधिकारियों को दिए हैं। तो किसान और विपणन अधिकारियों के बीच झड़प देखने के लिए मिली है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया धान खरीद को लेकर। ऐसे में यहां पर आश्वासन दिया गया है कि जो भी सही है उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि राजकीय धान केंद्र बहादुराबाद पर किसानों और विपणन अधिकारियों के बीच धान खरीद को लेकर जमकर पहले कहासुनी हुई, इसके बाद विपणन अधिकारी और किसानों के बीच अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। किसानों ने विपणन अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने किसानों को बाहर निकालकर गोदाम का गेट बंद कर दिया। किसानों ने विपणन निरीक्षक अधिकारी को हटाने की मांग की है। वहीं निरीक्षकों द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। उधर अपर जिलाधिकारी और राजकीय खाद्यान्न अधिकारी वीर सिंह बुधियाल ने मामले की जांच कराने के लिए नोडल अधिकारी को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। यहाँ पे एक क्रय केंद्र खुला हुआ है और यहाँ पे एक ट्राली रोज की धान की तुल रही है। किसान परेशान है, अपना धान लेकर जाए तो जाए कहाँ। और यहाँ पे ये लोग ये भी कहते हैं कि आप यहाँ से ट्राली लेकर भगवानपुर चले जाए। हम भगवानपुर क्यों जाए जब हमारे गांव में ही क्रय केंद्र खुला हुआ, तो हम अपना धान लेकर भगवानपुर क्यों जाए। ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे आप बिना टोकन के ले जाओ, फ़ोन पर मेरी बात करा देना। इन्होंने अपने इस पर जो परफॉर्मेंस ना तो खोल रखा कि हम 5 रुपये कट्टा जो इसका उतराई का लेंगे माल का, और जो है ये 41,250 जो वजन ले रहे हैं और उसे 40 किलो किसान को दे रहे हैं। एक क्विंटल पर लगभग 2-2.5 किलो फालतू ले रहे हैं। उसका नंबर एक में कहीं कोई लिखा पड़ी कुछ नहीं हो रही उसकी। चमोली में ब्लॉक सभागार जोशीमठ पेनखड़ा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की जननी स्वर्गीय गौरा देवी के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जोशीमठ कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित कर स्वर्गीय गौरा देवी को शस्त्र नमन किया। धौली गंगा और ऋषि गंगा घाटी में उनके योगदान को याद किया गया। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर गौरा देवी के योगदान को याद किया गया है, उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। दरअसल चमोली में ब्लॉक सभागार जोशीमठ पेनखड़ा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की जननी स्वर्गीय गौरा देवी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान जोशीमठ कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ गौरा देवी को शत नमन भी किया है। धौली गंगा और ऋषिकेश गंगा घाटी में भी उनके योगदान को याद किया गया। उत्तरकाशी में कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य पालन के अलावा मधुमक्खी पालन से भी किसानों की आय दोगुनी होगी। मानपुर उसके आसपास के गांवों को हनी विलेज से विशिष्ट पहचान मिलेगी। मंगलवार को एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के तत्वाधान में मानपुर में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला और प्रदर्शनी का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। कार्यशाला में कृषि उद्यान ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नाबार्ड दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित कई विभागों की तरफ से विभागीय स्टॉल स्थापित कर आमजन को योजनाओं की जानकारी दी गई और योजनाओं से लाभान्वित किया गया। उत्तरकाशी की तस्वीरें जहां पर लगातार किसानों को आय दोगुनी करने के कई मौके दिए जा रहे हैं, कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तरकाशी में कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य पालन के अलावा मधुमक्खी पालन से भी किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर चर्चा की गई है। एक प्रदर्शनी लगाई गई। मानपुर उसके आसपास के गांव को हनी विलेज से विशिष्ट पहचान दिलाने को लेकर मंगलवार को एकीकृत आजीविका सहयोग योजना के तत्वाधान में मानपुर में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला और प्रदर्शनी का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दीप जलाकर शुभारम्भ किया है। इस कार्यशाला में कृषि उद्यान ग्राम्य विकास ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नाबार्ड दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित कई विभागों की तरफ से कई स्टॉल स्थापित किए गए थे और योजनाओं से लाभान्वित करने का वादा भी यहां किसानों से किया गया है।
नैनीताल के सर्किट हाउस काठ गोदाम में मंडलायुक्त सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी आपदा कार्य को हल्के में बिल्कुल ना लें, आपदा कार्यों में ढिलाई बरतने पर कार्रवाई भी की गई जाए। इसी के साथ ही उन्होंने आपदा क्षेत्रों में मरम्मत कार्यों के साथ ही स्थायी कार्य प्रस्ताव भी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग नैनीताल खंड में 109 नहरें आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त होने पर अभी तक मात्र 17 नहरें चालू करने पर सख्त नाराजगी भी व्यक्त की है। तो आपदा कार्य को हल्के में ना ले अधिकारी, इस चर्चा में ये बातें कही गई हैं। आपदा कार्यों में ढिलाई बरतने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप बता दें कि बीते दिनों हुई भारी बरसात से नैनीताल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई लोगों की जान चली गई। दरअसल नैनीताल के सर्किट हाउस काठगोदाम में मंडलायुक्त सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ एक बैठक ली और इसी दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी आपदा कार्यों को बिल्कुल हल्के में ना ले, जो भी ढिलाई की जा रही हो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। इस संबंध में अब क्योंकि जो हमारा प्रारंभिक रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो लगभग पूर्ण हो चुका है और जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना था वो पहुंचा दिया गया है। अब लोगों का खान पान की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों के पुनर्निर्माण और खोलने की व्यवस्था, नहरों को खोलने की व्यवस्था, इन सब पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों के नेता पार्टी के प्रत्याशियों के तौर पर खुद को बेहतर साबित करने में जुटे हैं। बीजेपी नेता और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के ओएसडी देवेंद्र प्रधान भी उन्हीं चेहरों में से एक हैं। देवेंद्र प्रधान की ज्वालापुर विधानसभा में बढ़ती सक्रियता से ये साफ है कि प्रधान अपने ही पार्टी के विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ पार्टी हाईकमान से अपने लिए इस बार भी ज्वालापुर से टिकट की मांग करेंगे। देवेंद्र प्रधान हरिद्वार जिले की राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय हैं और काफी समय से सक्रिय हैं। देवेंद्र प्रधान ने एबीवीपी से लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कई पदों पर रहकर संगठन के लिए काम किया है। हरिद्वार जिला पंचायत के चुनाव में देवेंद्र प्रधान की माताजी ने भी भारी मतों से जीत दर्ज की थी। तो चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में सभी अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इसी संख्या में, इसी कड़ी में देवेंद्र प्रधान का नाम भी सामने आ रहा है। दरअसल उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की ओएसडी हैं देवेंद्र प्रधान, जो उन्हीं चेहरों में से एक हैं। देवेंद्र प्रधान की ज्वालापुर विधानसभा में सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इससे साफ है कि प्रधान अपनी ही पार्टी के विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ पार्टी हाईकमान से अपने लिए इस बार भी ज्वालापुर से टिकट की मांग कर सकते हैं। देवेंद्र प्रधान हरिद्वार जिले की राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय है और काफी समय से वो कई संगठनों में रहकर लगातार अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को देहरादून आ सकते हैं। वो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर देहरादून प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां पहले बन्नू स्कूल में उनका कार्यक्रम कराने की तैयारी की जा रही थी, हालांकि यहाँ जगह की कमी के चलते अब दूसरी जगह की तलाश की जा रही है। बता दें कि हाल ही में परेड ग्राउंड में निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में नई जगह ढूंढने में दिक्कतें हो रही हैं। गृह मंत्री यहाँ मुख्यमंत्री घसियारी योजना से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेंगे। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अभी उनके दौरे की सूचना मिली है, साफ शेड्यूल अभी नहीं भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी की चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने उत्तराखंड आ रहे हैं। 30 अक्टूबर को संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा भी कर सकते हैं। तो देहरादून का दौरा कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव की तैयारियों को रफ्तार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रह सकते हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में तीर्थ पुरोहितों की ओर से बताई समस्याएं सरकार तक पहुंचाई गई हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार ने मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। ध्यानी ने बताया कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का पक्ष सुना गया है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों से बात भी की गई। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों से आमने सामने बात नहीं हुई है, लेकिन मोबाइल फोन पर उनका पक्ष जाना गया। उन्होंने बताया कि अंतरिम रिपोर्ट में सरकार को तीर्थ पुरोहितों के पक्ष में अवगत कराया गया है। तीर्थ पुरोहितों के अधिकारियों को संरक्षण देने की बात की है और जो भी अधिकार हैं उनका भी संरक्षण किया जाएगा। अब अंतरिम रिपोर्ट का अध्ययन कर सरकार अपना रुख भी तय कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है।
तो थाना बोर्ड पर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार अब इस पर फैसला जल्द ले सकती है। उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट वितरण में युवाओं और महिलाओं को तरजीह देगी। कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं और महिला शक्ति की मजबूती की पक्ष रही है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस दोनों को आगे बढ़ाएगी। जहां भी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद सकारात्मक संभावनाएं दिखेंगी, युवा महिलाओं को टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी हार और बागियों की जीत पर हरीश रावत ने नई परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव जीतने से रावण भी सत्पुरुष नहीं हो जाते, लोकतंत्र का अपराधी अपराधी ही रहता है। तो युवाओं और महिलाओं को टिकट देंगे कांग्रेस पार्टी और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ने इस बात के संकेत दिए हैं। यानी कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट वितरण में युवाओं और महिलाओं को तरजीह देने जा रही है। कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने ऐसे संकेत दे दिए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस युवाओं और महिला शक्ति की मजबूती की पक्षधर हमेशा से ही रही है। आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस दोनों को आगे बढ़ाएगी। चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद सकारात्मक संभावनाएं दिखेंगी, युवा और महिलाओं को टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी हार और बागियों की जीत पर हरीश रावत ने नई परिभाषा दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पौड़ी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बीते रोज आपदा से हुए नुकसान का जायजा ले लिया गया है और इस आपदा के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें मुआवजा भी दे दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है कि जिन लोगों का कृषि या पशुपालन के क्षेत्र में नुकसान हुआ है उन्हें भी जल्द मुआवजा मुहैया कराया जाए। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की तरफ से भी सभी सड़कों को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है और जिन स्थानों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में खोला गया है उन मार्गों को आवाजाही के लिए बेहतर बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 7 नवम्बर तक जिले की सभी सड़कों को सुधारीकरण के साथ ही बेहतर बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 2-3 विषयों पर हमने बैठक की। एक तो जिले की सभी सड़कें खुल गई हैं और हमारी सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको 7 तारीख तक गड्ढा मुक्त सड़कें चाहिए। तो आज मैंने उसकी समीक्षा की है कि जल्दी जो है जहां जहां भी सड़कें खराब हैं उनको ठीक करने हैं। दूसरा, हमारी 4-5 सड़कें जो वन विभाग में फंसी थी उनके भी आज बातचीत हुई है, उनको लैंड देनी है तो जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उनकी लैंड मिल जाएगी। हमारी जो उफरेंखाल से भगवती तक एक 10 किलोमीटर की सड़क है उसके लिए लैंड की दिक्कत हो रही थी, वो भी हो गई है। भरी की लैंड की दिक्कत हो रही थी, इजर की लैंड की दिक्कत हो रही थी, वो भी आज जिलाधिकारी से बात हो गई और वन विभाग से संयुक्त सर्वेक्षण के लिए कह दिया गया है। पौड़ी के कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक कीर्तिनगर कोतवाली की एक महिला ने अपने ही गांव के व्यक्ति पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया। मामले में पीड़िता ने कोतवाली कीर्तिनगर में तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। कीर्तिनगर कोतवाली चंद्रभान सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। जांच के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई भी जल्द की जाएगी। ये थाना कीर्तिनगर क्षेत्र में ग्राम जखेड़ है, ग्राम जखेड़ की एक रहने वाली महिला है। उन्होंने अपने पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसने इनके साथ पहले से इन पर बुरी नजर रखता था और कल दिन में जब ये घास काटने अपने खेतों में गई थी तो उन्होंने इनके साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, इनके कपड़े पर फाड़े और इनके साथ हाथापाई करी है, जिसके आधार पर उस महिला की शिकायत पर आज कोतवाली कीर्तिनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। धारा 354 छीना झपटी हुई और कोई नहीं थे गांव के आस पास हुई छीना झपटी हुई है तो मैं बार बार करती रही, मैंने माफ किया था इस बार में। जहां पर एक महिला ने गांव के ही एक युवक पर छेड़छाड़ और पिटाई का आरोप लगाया।
रुड़की में एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने 3 दिन पहले मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव लहबोली में हुई छात्र की हत्या का खुलासा कर लिया। रुड़की कोतवाली में खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि 18 साल की छात्र की हत्या उसी के साथी ने की थी। एसएसपी ने बताया कि मृतक छात्र के उसके साथी की बहन पर गलत नजर थी और कई बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो मृतक छात्र का साथी स्कूल के लिए निकलने पर छात्र को घुमाने के लिए मखदुमपुर गांव की तरफ ले गया और पहले से ही साथ लाए तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपना तमंचा गांव के एक नाबालिग बच्चे को रखने के लिए दे दिया था। बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक आरोपी को रुड़की जेल और दूसरे को जुवेनाइल कोर्ट भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मिली थी मंगलौर थाना क्षेत्र में गन्ने के खेतों में और इसकी शनाख्त राज सिंह के रूप में हुई थी, जो कि एक दिन पहले अपने घर से गायब था। इसमें 2 गन शॉट थे, जिनमें से एक मिस फायर था और एक जो था वो पेनिट्रेट किया था। बाद में छानबीन में और पुलिस की जो जांच है उसमें ये निकल कर आया कि इसकी हत्या इसी के एक दोस्त ने की थी, एक अंशुल नाम के इसके दोस्त ने की थी। और हत्या का कारण इसका उसकी कज़िन को परेशान करना था। जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ लिया गया है। जो घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस जो हैं वो बरामद हो गए हैं, जो खोखा कारतूस हैं बरामद हो गए हैं। मृतक का बैग और जो मोटरसाइकिल जिसमें कि ये बिठा के गया था जो अभियुक्त है, ये भी सब बरामद हो चुका है। नैनीताल में बीते दिनों हुई बारिश से नैनी झील में आए जल प्रलय के चलते झील में खड़ी नाव आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। सीजन के लिए तैयारी कर रहे नाव चालकों के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन उन्होंने आने वाली दीपावली सीजन के लिए दोबारा से तैयारी करना शुरू कर दिया। बता दें कि नैनीताल में भारी बारिश से सरोवर नगरी के सभी नाले उफान पर आ गए थे, जिसके चलते झील में ज्यादा पानी आने से झील में पानी का स्तर बढ़ गया। इससे ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसके चलते झील के किनारों में खड़ी नाव एक दूसरे से जमकर टकराने लगी। इससे कई चप्पू वाली लकड़ी की नाव क्षतिग्रस्त हो गई। अब लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे नाव चालकों के पास 2 ही रास्ते थे, या तो सब कुछ छोड़कर दूसरा काम कर लें या नाव को ठीक कर दोबारा पर्यटन के लिए इंतजार करें। ऐसे में नावकों ने नावों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है और दिवाली सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए सर, 24-36 घंटे की बारिश में इतनी तबाही आई कि हमारे ये नैनीताल में हमारी बोटें जो हैं 40% डैमेज हो चुकी हैं। हम इनको जल्दी जल्दी निकाल के, अभी 2-4 दिन की धूप मिल जाए, इनको थोड़ा सा रिपेयरिंग हो जाए और हमारा ये अक्टूबर नवंबर का जो कस्टमर है ये फिर आना स्टार्ट हो जाए, इनके लिए हम रंग रोगन का कार्य कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।